हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हाँ फ्रेंड्स, बज रहे हैं 8। मैं अभी जस्ट नहा के आई। मैंने काम वाम सब कर लिया है, पोछा वोछा लगा लिए हैं, तो बस चेहरे पर कुछ वैसे जो रोज का होता है मेकअप, बस वही लगा रहे थे। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हो? सुबह के 9 बज रहे हैं और अब हम चलते हैं किचन में। तो हाँ फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं किचन में। बस दाल बनाने के इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि सब्जी तो पहले से रखी थी। जैसे हमको दो सब्जियां बनाए थे तो ज़्यादा हो गया था। एक कद्दू की बनाए थे और दूसरी कौन सी बनाए थे याद नहीं आ रहा, आलू टमाटर के बनाए थे। दो सब्जी बनाए थे तो ज़्यादा हो गया था, तो इसी वजह से मैंने फ्रिज में सब्जी लगा के रखी थी। तो फिर सब्जी नहीं बनाएंगे, दोनों सब्जी थोड़ी थोड़ी बच गई थी, तो इस वजह से सब्जी नहीं बनाएंगे। बच्चे इतना सब्जी खाते नहीं हैं, तो बस दाल बना लेंगे, दाल चावल बना लेंगे, सब्जी जो है उसी से काम चल जाएगा। तो फिर अभी हम आपसे मिलेंगे, बहुत ढेर सारी बातें भी करेंगे। पहले अपना काम थोड़ा सा निपटा लें। और हाँ फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग ज़रूर बताना। और ये कुकर हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो पहले वाला कुकर था वो गड़बड़ हो गया। ये बस यही हमारा खाना है। ये दाल ऐसे बनी थी, दाल चावल बनाए थे, सब्जी दोनों पहले की थी वही है। तो हाँ फ्रेंड्स, मैंने खाना वाना सबको खिला दिया, सारे काम हो गए हैं। तो मैं बैठी थी, वैसे बोर हो रही थी, तो सोचे लाओ थोड़ा सा जेली लगा लेते हैं। तो पत्ती मैं छत पे गई थी तभी ले आई थी, तो बस उसी पत्ती को रगड़ रहे हैं। एलोवेरा जल की ये पत्ती है, उसी को पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लेंगे। और फिर आपसे ढेर सारी बातें करेंगे अभी। अब ऐसे चेहरे के लिए बहुत फायदा करता है एलोवेरा। तो हाँ फ्रेंड्स, मैंने खाना बना लिया है। और ये जैसे जो मिक्स दाल होता है, अरहर की थी और चने की थी और उड़द की थी, उसी की दाल बनाए थे, चावल बनाए थे, सब्जी नहीं बनाए थे। शाम की सब्जी बची गई थी तो फ्रिज में लगा रखे थे, तो वही सब्जी गर्म कर लिए थे, सब्जी नहीं बनाए थे। तो बस आप लोगों ने देखा है कि क्या क्या बना था। और हाँ, सब खा चुके हैं खाना, हम भी खा लिए हैं, बच्चे भी खा लिए हैं, और बच्चे टीवी देख रहे हैं, उनके पापा भी बैठे वहीं देख रहे हैं। हम यहाँ चलने आए, मुझे थोड़ा आराम करना है, बर्तन भी समेट दिए, थोड़ा सा सिंक में बर्तन पड़ा है, मैंने उसे नहीं धुला है, थोड़ा सा ही पड़ा है उससे मैंने, और किचन उचन सब साफ कर दिया है। और शोभित आ गए हैं यहाँ, करते थे लाइट आ गई, कपड़े धुलना है, लेकिन अभी नहीं धुलेंगे, बाद में धुल लेंगे। अब मुझे आराम करना है, मैं यहाँ लेटूंगी, क्योंकि वहाँ बेडरूम में बैठे टीवी देख रहे हैं, मेरा मन कहता है थोड़ा सा सो जाऊँ। और हाँ फ्रेंड्स, मुझे भी लगता है कि जब हम वीडियो नहीं भेजते तो मुझे भी लगता है कि मेरा आज कुछ मिस हुआ है। सही, आप लोग सही कह रहे हो कि एक फैमिली से लग रहा है, तो मुझे भी ऐसा ही फील हो रही है। मुझे भी लगता है कि आज मेरा वीडियो नहीं गया तो आप लोग नहीं मिले। मुझे लगता है जब मैं कैमरे में बात करती हूँ तो लगता है आप लोग से बात कर रही हूँ, उसी समय मुझे लगता है कि मैं आप लोग से बात ही कर रही हूँ, तो मुझे भी ऐसा फील होता है। तो गाइस, अभी हम मिलेंगे आपसे कुछ देर में, तब तक के लिए मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लूँ, थोड़ा सो भी लूँ, क्योंकि अभी तो 11 बज रहे हैं, बहुत समय है। और खाना वाना सब हो ही गया है, काम हो गया, केवल बर्तन धुलना है, थोड़ा सा बाकी बचा कुकर वगैरह, बाकी सब बर्तन साफ कर लिए थे, बर्तन कर लेंगे। तो मैं आपसे अभी मिलेंगे कुछ देर के बाद, तब तक के लिए बाय नहीं बोलेंगे, फिर लेटने जा रहे हैं, सो लेंगे, उसके बाद में फिर आपसे मिलेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, मैं सो के उठ गई, चाय भी बनाए, सब लोग चाय भी पिए, उसके बाद में मेरा मन कहा कि चलो सब्जी उब्जी की तैयारी कर लें। तो सेम रखा था घर में, कद्दू भी रखी थी, तो सोची कद्दू तो बनी थी, सेम नहीं बनी थी, चलो सेम की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं लेकर आई यहाँ से, छीलने लगी क्योंकि मुझे सब्जी भी बनानी थी, और इधर टीवी भी चल रही थी और सब लोग देख रहे थे टीवी, तो मैं भी यहीं ला के सब्जी भी
सब्जी बनाने की तैयारी करने लगी, टीवी भी देखने लगी, तो ये सेम थे तो मैं इसी को छील रही हूँ। आलू भी था उसको भी मैं छीन काट के रख लूँगी ताकि सब्जी बनाने में कोई परेशानी ना आए, सब्जी तुरंत बन जाती जब इंतजाम होता है, क्योंकि अधिकतर समय तो तैयारियाँ करने में ही लगता है, बनाने में तो बहुत कम समय लगता है। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग बताना कि आप लोग कैसे हैं, ज़रूर बताना। वैसे मैं एडिटिंग आज कर रही हूँ, 11:30 बज रहे हैं रात में, क्योंकि शिवा बहुत परेशान कर रहे थे, मोबाइल नहीं दे रहे थे, अभी सोए नहीं जाग रहे हैं, हमेशा शरारत ही करते रहते हैं, तो उनको डांट दिया, वो बैठे हैं, तो मैं एडिटिंग कर रही हूँ इसकी। और वैसे तो समय बीतता नहीं है, केवल टीवी देखो, घर का काम करो, घर का काम भी जल्दी निपट जाता है क्योंकि कहीं आना जाना तो है नहीं, बस केवल काम ही काम करना है तो जल्दी काम भी हो जाता है। और बस ज़्यादा कुछ नहीं शेयर करने वाले हैं आज। और हाँ, हमारा वीडियो आप लोग को फ्रेंड्स पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अभी आप लोग ने देखा शोभित से कहे थे जाके चाकू ले आओ, तो चाकू लेने गए थे तो दौड़ के गए थे कि वीडियो में कहीं नज़र ना आए, लेकिन कैमरा चल रहा था तो इसलिए रिकॉर्ड हो गया, लेकिन तो दौड़ दौड़ के गए थे कि हम ना दिखें। अभी बच्चे हैं, उन लोग को शर्म आती, जल्दी नहीं आते हैं, तो बस इधर हम सब्जी की तैयारी भी कर रहे हैं। शाम को कुछ ज़्यादा खास बनने वाला नहीं है, कि केवल ही सेम की सब्ज़ी बनाएंगे और रोटी बनाएंगे नहीं, मैंने बना ली थी, रात हो गए, सेम की सब्जी बनाए थे, रोटी बनाए थे, बस सलाद बना लिए थे और कुछ नहीं बनाए थे ज़्यादा। वैसे तो इतना ज़्यादा बड़े बाज़ार में रहते नहीं कि सब सामान मिल जाए, इसमें होटल वगैरह बंद है तो दही वही भी नहीं मिल पाती है, थोड़ा सा दिक्कत पड़ता है कि जैसे रायता वायता बनाना हो तो कैसे बनाए, दही भी नहीं मिल पाती जल्दी, तो बस जो है चलो उसी में गुजारा कर लेते हैं, क्या करना है, कुछ ही दिन का समय है, ये भी बीत जाएगा किसी तरह से। तो मैंने जो सब सब्जी वब्जी इंतज़ाम करके रखती थी, तैयारियां कर ली थी, बस उसको मैं किचन में रखने जा रही हूँ, अभी तड़के की इंतजाम भी कर लूँगी, हाथ यहाँ लगे नहीं तो पता लगेगा, बची जाएगा तो बाद में भी करना पड़ेगा। यहाँ मैं सारी सब्जियाँ धुल के ले आई हूँ काटने के लिए, सोचे थे चलो काट पीट के रख देंगे तो फुर्सत मिल जाएगा, और टीवी भी चल रही थी, बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, सब लोग बैठे थे यहीं, तो हम भी सोचे चलो हमारा काम भी हो जाए। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग बताना कि हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है, क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो नहीं बना पाते, मुझे आता नहीं है अच्छा बनाना, बस जो कुछ आता है आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। तो बस ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में सेम को काट के रख देंगे, आलू भी है उसे भी काट के रख देंगे। अब इसे मैंने खाना तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने चाय और पापड़ बनाए हैं, जो पहले के हाथ से बनाया हुआ पापड़ था मैंने सबको भून के ख़त्म कर दिया, अब वो कब तक रखा रहता, अगले साल का था मैंने बनाया था, अभी नहीं बनाया था, पहले बनाए थे, बस वही था। तो गाइज, रात के बज गए हैं 11, अब अपने वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, अब फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आप लोग खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए, बाय।